नमस्कार, स्वागत आप सभी का पंचायती टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। पंचायती टाइम्स हमेशा ऐसी शख्सियत से, ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाता है जो जमीनी स्तर से उठते हैं, जमीन के लोगों के लिए काम करते हैं, गांव की बातें करते हैं और गांव से देश निर्माण की बातें करते हैं। ऐसी ही तमाम शख्सियतों से हम आपकी मुलाकात करवाते रहे हैं और इसी कड़ी में आज आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं लोहरदगा से बीजेपी के सांसद सुदर्शन भगत जी से। एक ईमानदार छवि के नेता, एक ऐसे नेता जो हमेशा विवादों से दूर रहता है लेकिन लोगों के लिए काम करता है। चलिए, आपकी मुलाकात आज हम उनसे कराने जा रहे हैं। सर, बहुत स्वागत आपका पंचायती टाइम्स के लिए। सर, सबसे पहले तो जानेंगे कि आपके पास कौन सा मंत्रालय है, किस तरीके से आप उसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और ये मंत्रालय किस तरीके से रिपोर्ट सरकार तक पहुंचाता है और कैसे इस तक फंडिंग होती है, कैसे काम होता है? अभी मैं जनजातीय कार्य मंत्रालय का काम देख रहा हूँ राज्य मंत्री के रूप में, और विशेष रूप से यह मंत्रालय देश भर के, विशेष रूप से जनजाति समुदाय के लिए, उसके विकास के लिए, उसके ज्ञान के लिए, उसके उत्थान के लिए यह मंत्रालय विशेष रूप से, खास करके कहा जाए आदिवासियों के लिए, जनजाति के लिए ही काम करती है, उसके डेवलपमेंट के लिए। तो मोदी सरकार में राज्य मंत्री के रूप में सुदर्शन भगत जी ने ये अपनी जगह बनाई हुई है। साफ छवि के ऐसे ईमानदार नेता थे कि इनके नाम पर किसी को शको सुबह नहीं हुआ और सीधे इनके नाम पर मोहर लग गई। जिम्मेदारी बहुत बखूबी संभाल रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी लगातार जनजातीय समुदाय को, आदिवासी समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करने के लिए और आगे उनका विकास करने के लिए कई सारी बातें हमेशा से वो कहते रहे हैं। भगत जी, एक जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात सदन में भी बजट के बाद आई कि प्रधानमंत्री ने इस बार अपने वक्तव्य में, जब बजट आने के बाद रहा और लगातार वो अपने संबोधनों में कहते रहते हैं कि ट्राइबल्स को या अनुसूचित जनजातियों को उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए बहुत तेजी से काम करना है। किस तरीके का रोडमैप अभी आपको बना हुआ दिख रहा है या पिछले चार सालों से बीजेपी की सरकार है, किस तरीके का काम आपने इस मंत्रालय के लिए या इस समुदाय के लिए देखा? लगातार जब से आदरणीय मोदी जी ने इस देश की नेतृत्व संभाली है प्रधानमंत्री के रूप में, और उसकी सरकार ने विशेष रूप से गांव, गरीब और किसान, और उसमें जनजाति समाज भी है, जनजाति समुदाय भी है, इसके उत्थान और विकास के लिए यह सरकार तत्पर है। और 2014 से ही लगातार, अभी तक कहा जाए इस बार के बजट में भी लगातार इस मंत्रालय की बजट बढ़ रही है, और कारण ही है कि आज जो बुनियादी सुविधाएं जनजातियों को उपलब्ध नहीं हो पाई थी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आर्थिक उत्थान का क्षेत्र हो, स्वावलंबन का क्षेत्र हो, जो भी बुनियादी आवश्यकता है, चाहे पानी की बात हो, बिजली की समस्या हो, सड़कों का मामला हो, तो आज लगातार जनजातियों के उत्थान के लिए सतत इस सरकार ने प्रयास किया है, और लगातार हर वर्ष कहा जाए कि आज बजट के प्रावधान में भी, बजट में भी लगातार वृद्धि हो रही। इस बार मैं समझता हूँ कि अच्छी खासी बजट इस जनजाति कार्य मंत्रालय के लिए रखा गया। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी सुदर्शन जी बता रहे हैं कि लगातार जब से मोदी सरकार अपने फॉर्म में आई है, या यूं कहें कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लगातार ट्राइबल्स पर बेसिक तौर पर काम किया जा रहा है। सुदर्शन जी जिस हिसाब से बता रहे थे कि जो बेसिक जरूरतें हैं, जो आधारभूत जरूरतें हैं, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, उसे लेकर पिछली सरकारों में उस तरीके के काम नहीं हुए थे जितना कि पिछले चार सालों में हुए हैं। अब बात करते हैं आपके लोकसभा क्षेत्र की। लोहरदगा आपका क्षेत्र आता है, झारखंड का वो इलाका है जिसके कुछ इलाके नक्सली प्रभावित भी माने जाते हैं। किस तरीके से वहां का काम अभी फिलहाल आपके क्षेत्र में हो रहा है, कितनी जनसंख्या है, कितने जिले हैं जिन पर कि आप लोग काम करते हैं? मुख्य रूप से हमारे संसदीय क्षेत्र में दो प्रमुख जिले हैं जो हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, गुमला और लोहरदगा, और थोड़ा सा पार्ट रांची जिला का है। रांची जिला का एक विधानसभा का एक क्षेत्र, एक क्षेत्र मांडर विधानसभा क्षेत्र उसमें आता है,
और पूरी क्षेत्र लगभग कहा जाए संख्या की दृष्टि से जनजातियों की है, और स्वाभाविक रूप से बीच के दिनों में वह पूरा क्षेत्र नक्सलियों से प्रभावित रहा है। इसके कारण निश्चित रूप से विकास कार्यों में थोड़ी सी बाधा है। नक्सलियों ने काफ़ी बाधा डाली है, और विशेष रूप से सरकारी योजनाओं पर नक्सलियों का विशेष रूप से फोकस रहता है, खास करके सड़कों के निर्माण में, पुल पुलियों के निर्माण में ये ज़्यादा बाधक बनते हैं। और इसके कारण जिस पैमाने पर उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए था पिछले दिनों वह काम नहीं हो पाया, लेकिन आज हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयास से आज निश्चित रूप से नक्सलियों उग्रवादी घटनाओं पर सरकार ने, राज्य सरकार ने भी और भारत सरकार ने भी उनके गतिविधि पर नियंत्रण रखा है, और आज कहीं ना कहीं आज नक्सलियाँ आज वहाँ पर कमज़ोर हो चुके हैं। आपकी इसी बात को मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊंगी। कहा जा रहा था कि झारखंड के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिन जो नक्सल प्रभावित थे, जहां के नक्सलियों ने भारी संख्या में सरेंडर किया है। क्या आपके इलाके में इस तरीके की कोई घटनाएं सामने आई थी? नहीं, मैं वही बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि राज्य सरकार और विशेष रूप से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हमारे रघुवर दास जी के जी प्रयास से राज्य सरकार ने एक अनोखा प्रयास किया है, और उस प्रयास का एक प्रतिफल रहा है, परिणाम रहा है कि आज सैकड़ों की तादाद में कहा जाए कि जो नक्सली गतिविधि में जो जुड़े हुए ऐसे युवक थे, ऐसे नक्सलियों का आत्मसमर्पण हुआ है, लोगों की खास करके देश के मुख्य धारा से उनको जोड़ने की कोशिश हुई। लोग जुड़े हैं, और सरकार भी इस ओर प्रयत्न कर रही है कि वो देश के मुख्य धारा से जुड़े। और मैं मानता हूँ कि इसमें राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का अथक प्रयास रहा, और उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है, इसके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं कि आज बड़ी संख्या में लोगों ने आत्मसमर्पण किया और खास करके देश के मुख्य धारा से लोग जुड़े। केंद्र और राज्य सरकार की अब बात कर रहे हैं। केंद्र और राज्य में अगर एक सरकार हो तो कितना फायदा लोकसभा क्षेत्रों को मिलता है या कितना फायदा उन इलाकों को मिलता है? कहा जाता है कि सरकारी आयोग भी इसीलिए बनाया गया था क्योंकि केंद्र और राज्य में हमेशा से जो है विवाद होता रहा है, लेकिन अगर दोनों जगह एक ही सरकार हो तो कितना फायदा मिलता है? लाभ ही लाभ है, जब दोनों जगह सरकारें होती हैं तो उसका सीधा लाभ निश्चित रूप से केंद्र की जो योजनाएं होती हैं, और अभी भी हमारे यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बना था अभी लगभग 17 दिन पहले धनबाद में, और मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार की 4 साल पूरे होने पर मैं समझता हूँ कि झारखंड को जितना बड़ा एक तोहफा और खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी हैं, लगभग मैं समझता हूँ कि लगभग साढ़े करीब करीब 28 हज़ार है, नहीं 7.5, लगभग 27 हज़ार करोड़ के आसपास की महत्वपूर्ण योजनाएं झारखंड झारखंड दी सरकार गई में, हैं जिसकी घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, जो धन्यवाद जी। कई वर्षों से वह खास करके फर्टिलाइजर की खाद की कारखाना जो बंद थी 16 साल से, 15-16 साल से वह कारखाना सिंदरी की कारखाना वह चालू हो रही है। इसी प्रकार काई पावर प्रोजेक्ट वहाँ पर प्रारंभ हुए, तो मैं समझता हूँ कि यह जो लाभ है, क्योंकि आज केंद्र में भी केंद्र और राज्य की सरकार दोनों एक है, और मैं समझता हूँ कि उसी का एक लाभ कि झारखंड इस तरीके झारखंड से को भी, झारखंड को उत्थान मिला है, और राज्य सरकार की भी आज केंद्र की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो आज निश्चित रूप से उन योजनाओं को राज्य सरकार भी धरातल पर उतारने का काम भरपूर प्रयास के साथ कर रही है, और आज मैं समझता हूँ कि आज उसी का परिणाम और उसी का लाभ आज हमारे क्षेत्रों में भी, सड़कों का जाल हो, चाहे पुल पुलियों का काम हो, या बिजली के क्षेत्र में काम हो, या विकास के जो भी महत्वपूर्ण काम हैं, लोगों की आवश्यकता के अनुसार आज मैं समझता हूँ कि आज बेहतर ढंग से हमारे क्षेत्र का विकास का काम हो रहा है। 4 साल
सरकार ने पूरे कर लिए हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है, 4 साल में कुछ नहीं हुआ। बतौर मोदी सरकार के राज्य मंत्री, या यूं कहें कि बतौर लोकसभा सांसद, कितने अंक देंगे आप मोदी सरकार को 4 साल पूरे होने पर, या किस तरीके का काम हुआ है, कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं? बड़ी परिवर्तन हुई है। जहां तक अंक की बात होती है तो मैं 100 के 100 में दूंगा, लेकिन आज स्वाभाविक रूप से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह जो 4 साल का जो यह जो पूरा कार्यकाल है, निश्चित रूप से हमारी सरकार ने प्रारंभ से ही सबका साथ सबका विकास लेकर गांव, गरीब और किसान, मैं समझता हूं कि मुख्य रूप से फोकस आम व्यक्ति रहा है, गरीब व्यक्ति रहा है, कि एक गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर कैसे सुधरे, कैसे उसका उत्थान हो सके। इसलिए आज भी पूरे 4 साल के अंतर्गत कार्यकाल में हमारी सरकार ने जिन भी महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है, यह योजना आज सैकड़ों में है। और सभी योजनाएं मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं गांव, गरीब और किसानों के लिए, आम व्यक्ति के लिए जुड़ा हुआ है। और आज उसी का परिणाम है, चाहे वो प्रधानमंत्री धनजन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आज मृदा योजना हो, और खास करके सोयल हेल्थ कार्ड का कार्यक्रम हो, या हेल्थ का सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, बिजली के क्षेत्र में भी सौभाग्य योजना आया है। इसी प्रकार हमारे मंत्रालय में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है जी। जो हम नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर जनजाति बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं, इसके माध्यम से एक बेहतर शिक्षा इस विद्यालय के माध्यम से प्राप्त हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह क्षेत्र शिक्षा और स्वास्थ्य के दृष्टि से भी उपेक्षित रहता था, जनजाति क्षेत्र, लेकिन आज निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी योजनाओं के माध्यम से आज स्वाभाविक रूप से पूरे देश को और संपूर्ण समाज को सबका साथ सबका विकास, इस लक्ष्य को रखकर मैं समझता हूँ कि आज इस देश को आगे बढ़ाने का काम, विकास के कार्यों में तेजी लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। अमित शाह जी ने 4 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं भी वहाँ मौजूद थी। लगातार उन्होंने इस बात को कहा कि 16,500 गांवों तक वो ग्राम स्वराज योजना के तहत पहुँच चुके हैं, अगस्त तक 60,000 गांवों तक पहुँचना है। अगर देश के 6 लाख गांवों की बात की जाए, हालांकि उन पंचायती राज ने उनसे सवाल भी किया था कि 6 लाख गांवों के लिए क्या योजना है, तो उन्होंने कहा कि हम लगातार प्लानिंग में हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, हम फरवरी से ग्राम स्वराज योजना शुरू की, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका भी जो एक जिला है वो आशावादी जिलों में आया है, नीति आयोग ने उन आशावादी जिलों को चिन्हित किया है जिनके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्या वहां की क्या ऐसी जरूरतें थी जिन्हें की आशावादी जिलों में आना पड़ा, या वो गांव जो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए हैं या नहीं बढ़ पाए हैं, किस तरीके से उनके उत्थान के लिए काम करना है? बात सही है कि आज पूरे देश भर में जो आशावादी जो गांव हैं, या जो इस प्रकार के जो सूची तैयार हुई है जी, उस सूची में मेरा भी संसदीय क्षेत्र के हमारे भी हुए जिले आते हैं। और स्वाभाविक रूप से हमने प्रारंभ ही कहा, क्योंकि पिछले लगभग झारखंड बनने के पूर्व से ही लगभग 14-15 साल से हमारा जो क्षेत्र है यह नक्सल के चपेट में रहा है, और नक्सलियों के कारण कहा जाए, उग्रवाद के कारण, और उसके पूर्व से ही उस क्षेत्र की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो सड़कें हो, पुल पुलिया हो, बिजली हो जी, पीने का पानी हो, या खेतों में भी सिंचाई का प्रबंधन हो, ऐसी चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो आज एक आम व्यक्ति की जो एक बुनियादी आवश्यकता है, इन आवश्यकताओं की कमियां हमारे क्षेत्र में रही है। और जनजातीय अंचल होने के कारण अशिक्षा भी है और गरीबी भी रही है, लेकिन लगातार प्रयास हो रहे हैं, और उस प्रयास के बावजूद भी खास करके उग्रवाद के कारण या नक्सली गतिविधि के कारण जितनी कामों में गति आनी चाहिए थी, विकास कार्यों में जितनी गति आनी चाहिए थी,
वो थोड़ा कम है अभी, उतना इनके कारण स्वाभाविक रूप से विकास कार्य प्रभावित हुआ और आज स्वाभाविक रूप से उसके कारण हम थोड़े पिछड़े। नहीं देखिए, उसके कारण नीति आयोग ने यह भी कहा कि जिन जिलों को हमने चिन्हित किया है उन्हें नीचा दिखाना या पिछड़ा बताना मकसद नहीं है, उनका यह है कि वो हमारे वो बच्चे हैं जिनका थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से आपका जिला जो है वो एक्स्ट्रा ध्यान रखने के लिए चुना गया है। जिस तरीके से गांवों की बात अगर करें तो 2022 तक प्रधानमंत्री मोदी ने लक्ष्य दिया हुआ है, बजट भी इस साल जब अरुण जेटली साहब ने पेश किया तो उन्होंने कहा कि गांवों के लिए बजट है। आप इसको कैसे देखते हैं 2022 तक का जो रोड मैप है, किसानों की आय दुगनी कर देना है, हर गांव तक उज्ज्वला योजना की जो सुविधाएं हैं, हर महिलाओं को हर घर हर में चूल्हे की जगह जो है अब गैस होना चाहिए, एलपीजी होना चाहिए, इस तरीके जो योजनाएं हैं, जो रोड मैप तैयार हुआ है, आप कैसे देखते हैं कि 2022 तक ये कैसे पूरा होगा? संकल्प है भारत सरकार का, केंद्र सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हम आने वाले 2022 तक इस देश के किसानों की आय को हम दुगना करेंगे। और प्रारंभ से ही हमारी सरकार आज इसी लक्ष्य को लेकर काम कर रही है प्रारंभ से ही 2014 से ही। और आज चाहे सोयल हेल्थ कार्ड का कार्यक्रम हो, जो हमने पूर्व में भी कहा है, और आज एक बड़ी आबादी जो है आज हमारे देश में गांव में ही बसती है, और गांव में बसने के कारण स्वाभाविक रूप से अधिकांश लोगों का व्यवसाय कहा जाए या तो उसका जो आर्थिक आधार है या खेती है, कृषि है, और हम कहते भी हैं अपने देश को कृषि प्रधान देश है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 का लक्ष्य रखा है कि हम किसानों की आय को हम डबल करेंगे, चाहे वो जैविक खेती के रूप में हो, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, चाहे सोयल हेल्थ कार्ड का कार्यक्रम हो, या हम प्रधानमंत्री फसल बीमा का योजना आज हमारी सरकार ने लाई है, या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ताकि हर खेत में पानी की उपलब्धता हो सके सिंचाई की दृष्टि से। आज जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण, चाहे ओला हो, बारिश हो, या सूखे के कारण, जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण कहा जाए फसलों का जो नुकसान होता है, उसके जो मापदंड थे पहले 50% था, आज उसको भी घटा के आज उसको 33% किया गया है। उसके अलावे हमारे डेयरी के प्रक्षेत्र हैं, पशुपालन के प्रक्षेत्र हैं, कृषि से जुड़ा हुआ जो हमारा आजीविका का जो आधार है हमारे किसानों का, तो मुख्य रूप से इन सारे बिंदुओं पर ही सरकार का फोकस है, चाहे वो मधुमक्खी पालन के रूप में हो, चाहे मुर्गी पालन के रूप में हो, सुकर पालन हो, डेयरी का प्रक्षेत्र हो, बकरी पालन से हो, जो अलग घटक होते हैं किसानी के, जो अलग घटक हैं पशुपालन, मुर्गी पालन, इन पर भी फोकस ये तो किसान से खेती के साथ, कृषि कार्य के साथ जुड़ा हुआ किसान का एक दूसरा पार्ट है, उसके आय को बढ़ाने के अतिरिक्त संसाधन, अतिरिक्त स्रोत हैं। और आज नहीं, ये वर्षों से कहा जाए यहाँ का किसान ये दोनों कामों को करता आ रहा है, आज से नहीं कहा जाए सैकड़ों वर्षों से, लेकिन सरकार उसी को थोड़ी सी एक योजनाबद्ध तरीके से उस कार्य को और थोड़ी किसानों तक सुविधा पहुँचाना चाह रही है, ताकि हम मात्र खेती के आधार पर कहा जाए, क्योंकि लगभग आज भी हमारे देश के या गांव में कहा जाए जो हमारी खेतियां होती हैं, आज भी सिंचाई का प्रबंधन वैसा नहीं है, सभी जगह नहीं है। आज कहीं ना कहीं हम वर्षा पर आधारित हमारी खेती होती, जैसे कई पहाड़ी इलाके हैं, जैसे हमारा क्षेत्र है जहां से मैं आता हूं, आज भी हमारे यहाँ मुख्य रूप से एक फसल होती है, वो भी वर्षा आधारित है। अगर वो फसल अच्छी हो गई तो ठीक है, अन्यथा किसान को फिर किसी दूसरे व्यवसाय पर फिर निर्भर करना पड़ता है, मौसम की निर्भरता इतनी ज्यादा है कि अतिरिक्त होना पड़ता है। देखिए, जिस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा था कि बहुत ही ईमानदार और विवादों से दूर रहने वाली छवि है सुदर्शन जी की, और बातचीत से भी वैसा ही लग रहा है, जमीनी स्तर के नेता है, कृषि, गांव और मिट्टी, उसकी बात अगर इनके मुंह से निकल रही है तो पता चल रहा है कि आदमी जमीन का है और उसे जानकारी भी उस तरीके की है। सुदर्शन जी,
जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सरकार बहुत बेहतरी से काम कर रही है, किसान गांव इस पर फोकस है पूरी तरीके से, सरकार इस बार बजट में भी यही हुआ कि गांव किसानों के लिए बजट है, लेकिन विपक्ष इससे खुश नहीं नजर आ रही। विपक्ष कह रही है कि गांव की बात करते नहीं और किसान तो नाराज हैं। इस साल उपचुनाव के जो परिणाम आए तमाम जगहों पर, उसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का नहीं रहा, जनता नाराज है। आप इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? विपक्ष निराश है हमारी कार्यों को देखकर, हमारे जो विकास की जो उपलब्धता है और जिस गति के साथ इस देश में, चाहे वो शहरी विकास हो या ग्रामीण विकास हो, हमारी सरकार चहुमुखी सभी सेक्टरों में कहा जाए आज बेहतर ढंग से काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि आज कहीं ना कहीं हमारे विकास कार्यों को देखकर, या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, चाहे देश के अंदर में हो चाहे विदेशों में हो, आज इस देश का जो सम्मान बढ़ा है उनके नेतृत्व में, तो कहीं ना कहीं आज विपक्ष एक तरह से कहा जाए कि हताश है, निराश है। और इसी हताशा और निराशा में आज ये लोग हमारी बेहतर ढंग से काम करने वाली हमारी मोदी सरकार पर ये कमेंट कसते रहते हैं, या कोई बहाने इनको नहीं मिल रहे हैं। या अच्छा, अभी कर्नाटक में कुमारस्वामी ने जब शपथ ली तो उनके मंच पर हर वो शख्स नजर आया जो मोदी विरोधी था। कई जगह ऐसी भी बातें हुई कि विपक्ष पूरा एक साथ तैयार है, और वो एक तस्वीर जिस पर बड़ी चर्चा हुई कि सब विपक्ष के सभी प्रमुख नेता हाथ उठाए खड़े हैं और उस तस्वीर के साथ मोदी जी की तस्वीर लगती है, और कहा जाता है कि 2019 विपक्ष वर्सेस मोदी। क्या ये आप देख पा रहे हैं, मोदी के खिलाफ सब, ऐसा महसूस कर रहे हैं पूरा विपक्ष जो है मोदी के खिलाफ, यानी मोदी के विरोध में जो है वो पूरा विपक्ष एक तरफ है और मोदी जी इधर अकेले? या कर्नाटक के चुनाव ने निश्चित रूप से सिद्ध किया है कि आज स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के कट्टर आपस में विरोधाभास होने के बावजूद भी आज कहीं ना कहीं, आज मैं समझता हूँ कि आज विपक्ष एक होने का एक प्रयास किया है। और लेकिन हमने जो प्रारंभ में कहा, क्योंकि व्यक्ति जब हताश और निराश जब हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से कंधे तलाशता है। हाँ, कंधे तलाशता है। मैं इसको इस रूप से मैं देख रहा हूँ, और आज उसी का परिणाम है कि इन्हें लगता है कि शायद हम एकजुट होकर हम माननीय मोदी जी को पछाड़ सकें। ऐसा कहना कहीं, मैं ये कहना कहीं इस प्रकार के ये सपने देख रहे हैं। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि वो जो तस्वीर आई सामने, पूरा विपक्ष एक साथ, ममता बनर्जी भी नजर आई, अखिलेश यादव भी नजर आए, चंद्रस्वामी भी, चंद्रबाबू नायडू भी नजर आए, शरद पवार साहब भी मौजूद रहे, तो वो तस्वीर बीजेपी खेमे में परेशान नहीं कर रही? नहीं नहीं, हम हमारे लिए किसी प्रकार की, हमारे खेमे के लिए किसी प्रकार की परेशानी का कोई कारण ये नहीं है। लेकिन अभी जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, एनडीए की जो सहयोगी दल हैं, जो उसके घटक दल हैं, वो थोड़े से निराश नाराज नजर आ रहे हैं। शिवसेना सबसे पहले, अमित शाह साहब कहते हैं कि हम तो उनके साथ लड़ना चाहते हैं, शिवसेना कहती है हम अपने से अलग लड़ेंगे। क्या कहीं कुछ इस तरीके की चीजें लग रही हैं कि 2019 में थोड़ी सी परेशानी आएगी? ऐसा किसी प्रकार का खटास अपने अंदर नहीं है, अपने गठबंधन में परिवार है, बीच बीच में इस प्रकार की छोटी मोटी थोड़ी बहुत तो इस प्रकार के इश्यूज आते हैं, लेकिन एनडीए का गठबंधन जो है, हम सशक्त हैं, मजबूत हैं, और गठबंधन को कैसे लेके चलना जी, या हमारी खास करके हमारा जो नेतृत्व है ये भाली भांति जानता है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारा जो गठबंधन है और सशक्त होकर उभरेगा। यानी 2019 में कोई चिंता की बात नहीं? 2019 की किसी प्रकार की चिंता नहीं है, और हम पूरे सशक्त होकर हम आगे बढ़ेंगे और मजबूती के साथ, और हमारा गठबंधन और मजबूत होगा, ये मुझे पूरा। अच्छा, इस बात से भी चिंता है कि राहुल गांधी साहब कह रहे हैं कि अगर मुझे 2019 में मौका मिलेगा तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? ये उनकी बात है, मैं उनकी बात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा जी।
जनता निर्णय करेगी प्रधानमंत्री किसको बनाए। पर ये इसको आप कैसे देखेंगे कि एक विपक्ष का नेता कहता है कि मैं 2019 में प्रधानमंत्री बनूंगा, तब जबकि आपके ऊपर पूरी दारोमदार है, तब जबकि कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में उसे होना चाहिए, वैसी छवि कांग्रेस की नहीं है देश के लिए जिस हिसाब से मोदी जी को जनाधार मिला है, उस पर इस तरीके की टिप्पणी करना कैसा? ये मैं समझता हूँ कि ये ओछी राजनीति है और कहीं ना कहीं उसकी जो महत्वाकांक्षा है इससे उभरती है कि हम कैसे इस देश का प्रधानमंत्री बने, और मैं समझता हूँ कि इससे उनकी महत्वाकांक्षा झलकती है। राहुल गांधी जी कई बार इस बात की भी बात करते हैं, या विपक्ष के कई बड़े नेता इस बात की भी बात कहते हैं कि वहाँ जो बीजेपी की गवर्नमेंट है या जो बीजेपी है उसे सिर्फ दो आदमी चला रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, आप कैसे देखते हैं इसको? हमारा एक नेतृत्व है और स्वाभाविक रूप से एक सैद्धांतिक एक विचार पर चलने वाली हमारी पार्टी है जी, और हमारे यहाँ सबकी बातें सुनी जाती हैं, एक साथ हमारे यहाँ सभी प्रकार के निर्णय सर्वसम्मत से लिए जाते हैं, और मैं कहता हूँ कि इस प्रकार का उनका कहना या इस प्रकार का बयान राहुल गांधी जी की तरफ से आना ये निराधार है। 2019 के लिए कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम हैं, बातचीत करते हैं, 2019 सामने है, इस साल भी कई राज्यों में इलेक्शन है, मध्य प्रदेश आपका बहुत बड़ा इलाका है बीजेपी का और हमेशा से वहां सरकार रही है, किस लिहाज से देखा जाए क्या तैयारी बीजेपी के खेमे में है? मैं ये नहीं कहूंगी कि आप रणनीति कैमरे के सामने ओपन करें, लेकिन फिर भी क्या कुछ लग रहा है आपको, किस तरीके की तैयारी है और 2019 के लिए कितनी परेशानी दिख रही है, क्योंकि 2000 जब मोदी जी आते हैं तो 282 सीटों के साथ लोकसभा में आते हैं और अभी लगातार सीटें घटती भी रही हैं, 272 सीटें रह गई हैं, हालांकि वो बात और है कि योगी आदित्यनाथ जी को सीट छोड़नी पड़ी, केशव प्रसाद मौर्य जी को सीटें छोड़नी पड़ी, तो उस लिहाज से वो जो आंकड़ा है वो आप 2019 में कैसे देखते? प्रदर्शन बेहतर होगा, 2018 में जिस भी प्रदेश में विधानसभा की चुनाव होने जा रही है, खास करके जहां हमारी भी सरकार है अधिकतर राज्यों में, राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, निश्चित रूप से पुनः उन खास करके उन राज्यों के सरकारों ने जो बेहतर जो प्रदर्शन किया है विकास कार्यों में, मैं समझता हूँ कि वहाँ की जनता खुश है बेहतर शासन से, और पुनः हमारी वहाँ पर दोबारा फिर हमारी सरकार बनेगी। 2019 के लिए कोई डर नहीं है विपक्ष की तरफ से? नहीं नहीं, हम निश्चिंत हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में, खास करके अभी तक इस 4 साल में जो बेहतर काम किया है, इन कामों पर हमें पूरा उम्मीद है, और हमारा राष्ट्रीय जो नेतृत्व है इस नेतृत्व पर मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति पूरा, कार्यकर्ताओं की जो निष्ठा है ईमानदारी के साथ में, इस कारण मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2019 में पुनः राज्यों में भी और केंद्रों में भी पुनः हमारी सरकार बनेगी। छोटा सा प्रश्न आज के दिन के हिसाब से और जहन में आ रहा है, पिछले 4 सालों में अगर देखा जाए जिन सीटों पर उपचुनाव हुए हैं वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा है, जबकि ये कहा जाता है कि उपचुनाव हमेशा जो जिनकी सरकार राज्यों में होती है उनके पक्ष में ही जाते हैं, लेकिन ऐसा देखने नहीं मिला, राजस्थान में भी वही हुआ और यूपी में भी लगभग वही नजारा रहा, कहां कमी हो गई, कहां चूक हो गई, क्या आपको क्या लगता है? सत्ता में रहने के बावजूद स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं कुछ कमियां रहती हैं, और आज जिस प्रकार की अपेक्षाएं लोगों की बढ़ी हैं जी, तो मैं समझता हूं कि आज उसी उम्मीद और भरोसा के कारण इस प्रकार के परिणाम आते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला जो भी चुनाव होगा ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी सरकार के लिए बेहतर होगा। यानी ये चुनाव निराशा की ओर नहीं ले जाते? निराशा की ओर नहीं, और हम खास करके इस प्रकार के चुनावों से हम निश्चित रूप से हम सीख ले रहे हैं कि हमारी कमियां कहां रही है और उन कमियों को हम दूर करेंगे, पूरा करेंगे। और 2019 के लिए बहुत शुभकामनाएं आपको, 2019 के लिए, आपकी पार्टी के लिए और निश्चित ही आपके पूरे खेमे के लिए।
जिस तरीके से सुदर्शन जी अभी गांव से लेके कृषि से लेके राज्य मंत्री होने के नाते जिस तरीके की जिम्मेदारी उनके पास है, उन तमाम बातों से हम आपको रूबरू करा रहे थे। बहुत ही सरल, बहुत ही सहज व्यक्ति हैं, इसलिए बात करने का अभी आनंद अपने आप में आया सर, धन्यवाद आपका। तो आज इस मुलाकात के साथ ही फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे, बातचीत करवाएंगे। फिलहाल धन्यवाद, नमस्कार।